ये भाई सिंगम गिरी खत्म हो गई ना, हमारे मालिक पे भौकेगा। भाव 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 टाइटा फिश। पहले पापा से बात करो। माँ मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुझे पता चला सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि अचानक भूल जाना वो नौकरी। माँ मुझे नौकरी से नहीं निकाला, मेरा प्रमोशन हो गया है, सीधा एसीपी से डीसीपी। तेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है माँ। मेरे से साथ बुरे दिन गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। शक्ति, मैंने आपका हाथ काटा, चीटिंग करके एग्जाम पास किया, वर्दी की आड़ में गुंडों का साथ दिया और बहुत से गलत काम किए। मुझे निकाल दीजिए, मैं ऐसी काबिल हूं सर। शक्ति, तुम्हारी काबिलियत मैं जानता हूं। आज डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर की जरूरत है। भले तुम एग्जाम में फेल हुए पर पुलिस का फर्ज निभाने में पास हो गए। पुलिस किसी की जागीर नहीं लेकिन ताकतवर जरूर है। जो काम आज तक कोई न कर पाया वो तुमने कर दिखाया। मेरी 20 साल की सर्विस में मैंने तुम्हारे जैसा जज्बा किसी में नहीं देखा। तुम ही शिवा को लगाम लगा सकते हो। जब मैंने तुम्हारे पिता को छुआ तब तुम्हारे अंदर मैंने एक जुनून देखा जो अब मैं इस ऑफिसर में देखना चाहता हूँ। अब तुम एसीपी नहीं रहे, यू आर प्रमोटेड एस डीसीपी। उन्हें पुलिस की ताकत दिखा दो, उन्हें दिखा दो हम किसी से कम नहीं। मुझे निराश मत करना। Go ahead. DCP तरक्की। अरे इतना क्यों डर रहे हो, अपना शक्ति भाई तो टीसी बन गया है। अगर वो टीसी बनता तो सिर्फ टिकट चेक करता, वो जो बना है उससे पता नहीं किस किस का क्या क्या निकलेगा। हवा निकल गई, पीली भी हो गई। अगर मैं टीसी बनता तो लोगों की टिकटें चेक करता, लेकिन अब ये डीसीपी सारे डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ेगा। उसे देखकर जलन हो रही है। डिप्टी कमिश्नर मिस्टर शक्ति ने शहर से अपराधियों को कम करके एक बड़ा काम किया है। उनके दादा ने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शहादत दी थी। मिसेस शक्ति एक बहुत ही बहादुर परिवार से बिलोंग करते हैं। भाई के दादाजी तो बहुत फेमस हो गए, जिनकी वीरता की बात सुन के तुमने खून बहाया। वीरता का इनाम मिला है तुम्हें। हमारा इस साल का द बेस्ट कैडर अवार्ड गोज टू मिस ऐश्वर्या। सर दो शब्द आप भी कहिए ना। मेरी जबान कम और हाथ ज्यादा चलते हैं। बहाना बनाना कोई इससे सीखे। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कुछ सेफ्टी टेक्निक सिखा दीजिए। कोई एक वॉलंटियर आ गया हो। गो बैक। तुम आ जाओ। सर फर्ज करो कि तुम्हारे पास एक बैग है। बैग और बैग ही इसे अच्छी लगती है। इधर आ। हाँ तू इधर आ। जहाँ लोचा होता है तुझे मेरी याद आती है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मेरा हाथ टाइट पकड़ लो। कसके पकड़ा है। देखो मेरा हाथ कैसा पकड़ा है। तुम्हें ऐसे करना है। राइट हैंड एंड द राइट लेग एट द सेम टाइम। और इस तरह सिंपल। आ जाओ। यस सर। मेरा हाथ पकड़ लो, कसके पकड़ो। हाँ इस तरह। ये सिखा रहा है कि चांस मार रहा है। और कोई वॉलंटियर? सर मुझे कोई खतरा हुआ तो? सुनिए बहन जी, तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से जरूर होगा। दिन ही खराब है। ओके, सोचो कोई मुजरिम तुम पर चाकू से अटैक करता है। ओए माँ। मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तुम मुझ पर अटैक करो जैसे चाकू हाथ में। इस तरह ब्लॉक करो और धक्का देके नाक तोड़ दो। वो दोबारा तुम पे हमला करे उससे पहले फिर से उसकी नाक तोड़ दो। देखा
नाक का पकौड़ा बना दिया, बाप कमाल है। अपने आप को बचाने का एक और आसान तरीका है, मुझे एक लकड़ी चाहिए होगी, कहाँ है लकड़ी? हाँ, इस तरह की एक लकड़ी पकड़ो और ऐसे सर पे मारो। ये भाई शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। ये क्या कर रहा है? ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। मारो मारो। बढ़िया अटैक, तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की है। यार तू पीछे से हमला करता था, अब तू आगे से हमला करवा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी चीज सिखाऊंगा, इसके लिए मुझे ट्रेंड लोगों की मदद चाहिए और इसके लिए मुझे एक मजबूत लेडी की भी जरूरत पड़ेगी। मैडम प्लीज यहाँ आइए, पहले बैठो फिर लेट जाओ। भाई का रोमांस करने का नया आसन है। इस पोजीशन में अंदर जाकर क्रॉल करके बाहर निकलना है। इट्स आरवी ट्रेनिंग। अगर ये रोज किया तो सर्दी हो जाएगी, आप मर जाएंगे। आपके हाथ और पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ तो मैडम अब ये करके दिखाने वाली हैं आपको। तालियां। क्लैप क्लैप, टाइम खत्म हुआ, अब आप लोग जाइए, मैडम जाएंगी नहाने के लिए। भाई शक्ति हमारे लिए मुसीबत बनने लगा है, हम उसे अपना समझ कर छोड़ते रहे, लेकिन भाई वो इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। भैया उसने रेत का कारोबार ठप कर दिया। ग्रेनाइट की जमीन को जब्त कर लिया। उसकी वजह से हमें कमीशन मिलना बंद हो गया है। दिन ब दिन हमारी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है और तो और वो एक एक करके हमारी फैक्ट्रियां सील करवाता जा रहा है। भाई हम सिर्फ आपकी वजह से खामोश हैं। मालिक पहले शादी हो जाए फिर उससे निपटते हैं। शक्ति बेटा सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब ठीक ठाक। आप कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तुम लोगों के शान की बात ही कुछ और है, सारा शहर देखता रह जाएगा। मेरा घर क्यों सजाया? तुम्हारी बहन की शादी जो है। माँ ने एक बार भी बताया नहीं। आज मुझे खाना बनाने वाले महाराज संतोष मिले थे, घर में कोई फंक्शन है क्या माँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही, कुछ तो बोलो माँ। फोन रख दो, कुछ तो बोलो माँ। वो उसकी भी बहन है और उसे अपनी बहन की शादी की खबर बाहर वालों से मिल रही है, उसे कितनी ठेस पहुंची होगी, बेचारा रो रहा था। आप समझी दर्द क्या है?
मुझे लोगों को जान से मारना आता है और उन्हें तड़पाना भी आता है। अभी भी वक्त है, मैं उसे न्योता दूंगा, शादी में बुलाऊंगा, पर पुलिस के नाते नहीं, अपने बेटे के नाते। उसे सब कुछ छोड़कर पुराना शक्ति बनना होगा। बनेगा? हाँ, सिर्फ तभी वो आ सकता है। सुनिए, कहा ना, ये शिवा का फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा। शादी है तुम्हारी बहन की, तुम्हें वहां होना चाहिए। कैसे जाएगा, इसे वहां बुलाया ही नहीं है। प्रिया जरूर बुलाएगी। गलत फहमी में मत रहे, मुझे नहीं लगता वो तुझे बुलाने वाली है। मेरी बहन मुझे जरूर बुलाएगी। प्रिया माँ, मैं तेरे पापा से कुछ नहीं कह पाऊंगी। तेरा भाई नहीं आया, वो तुझे कितना चाहता है बेटा। तो एक बार फोन कर लेगी तो भागता हुआ आ जाएगा। माँ, मेरे लिए पापा जरूरी हैं। मेरी बेटी के लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ, तुम्हारे लिए कौन जरूरी है इसका फैसला तुम करो। कैसे हैं आप? नमस्ते। तुझे तो आइए ना, आइए ना, तुझे बाहर जाकर फूल मालाएं लाने को कहा। मैं अंदर था, क्यों खड़ा? अभी लाता हूं। नमस्ते। तू दूसरे गांव से आया ना, अंदर घर वालों के लिए खाना है, बाहर वालों के लिए नहीं। चल जा, मुंह मार। हे भगवान, शक्ति भाई, आज मुझे ये दिन भी देखना था। ये तेरी जगह नहीं है, उठ यहाँ से, उठ यहाँ से। घर का बड़ा बेटा यहाँ खाना खा रहा है, अंदर चलो ना भाई। खाना खाना आप लोगों ने? मालकिन, वहाँ देखो, सारा परिवार एक साथ है, लेकिन घर का बड़ा बेटा अनाथों की तरह गरीबों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसने आने से मना कर दिया, मुझसे ये देखा नहीं जाता। आप ही समझाइए ना। न्योता मेहमानों को दिया जाता है माँ। मैं तो प्रिया का भाई हूं, बहन की शादी में आने से खुद को रोक नहीं पाया।